बिल्कुल फ्रेंड्स, सिरोसिस की स्टेज के बारे में आप लोगों ने पूछा था, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि सिरोसिस की कितनी स्टेज होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और इसको कैसे पता करें, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके समझना है कि सिरोसिस खुद में ही लीवर डैमेज की आखिरी स्टेज है। तो जो सिरोसिस है, ऐसा मान सकते हैं कि ये आखिरी स्टेज है लीवर डैमेज की। लीवर के अंदर बहुत सारा नुकसान हो चुका है, तो अगर किसी को सिरोसिस हो गया है तो उसको रिवर्स करना या उसके लिए कोई दवाई देना, उसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचता, क्योंकि परमानेंट डैमेज है। ऑलरेडी सिरोसिस ही एडवांस स्टेज की बीमारी हो गई, बहरहाल उसकी भी ग्रेडिंग कर सकते हैं या उसकी भी स्टेजिंग कर सकते हैं कि शुरुआत का जो सिरोसिस है, अर्ली सिरोसिस में जिसको हम ग्रेड वन बोल सकते हैं या स्टेज वन बोल सकते हैं, उसमें पेशेंट कंपनसेटेड स्टेज में रहता है। कंपनसेटेड सिरोसिस मतलब काम कर पा रहा है उसका लीवर, इसलिए ज्यादातर पेशेंट को इसमें लक्षण नहीं आते, कोई लक्षण नहीं आता, क्योंकि लीवर खराब तो हो गया लेकिन किसी तरीके से अपना काम वो मैनेज कर पा रहा है। और अगर इसमें जाँच की बात करें कि ये किससे पता चलता है स्टेजिंग या ग्रेडिंग के बारे में, तो एक फाइब्रो स्कैन करके टेस्ट होता है और एक बायोप्सी की जांच है। बायोप्सी में टुकड़ा लिया जाता है। फाइब्रो स्कैन नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें साउंड वेव लीवर के अंदर कैसी ट्रेवल करती है, कितनी स्पीड से, उससे फाइब्रोसिस के बारे में पता चलता है। फाइब्रोसिस कितनी ज़्यादा हो गई, कितना लीवर का सेल्स बचा है, कितनी फाइब्रोसिस है, तो फाइब्रो स्कैन में आप उसका रिजल्ट है अगर 12.5 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि सिरोसिस हो गई है। और जितना ज़्यादा फाइब्रो स्कैन में वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी एडवांस स्टेज का सिरोसिस है। ये तो हो गई ग्रेड वन, मतलब पेशेंट कंपनसेटेड फेज में है, या स्टेज वन जिसमें पेशेंट कंपनसेटेड स्टेज में है, कोई उसको लक्षण नहीं आ रहा है। स्टेज टू में पेशेंट को टोटल हाइपरटेंशन होता है और जब उसको ईसोफेजियल वराइसिस डेवलप हो जाती है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं ईसोफेगस और पेट के बीच में वहाँ पे खुल जाते हैं, तो खून की उल्टी होना, तो खून की उल्टी होना पोर्टल हाइपरटेंशन, इसको हम स्टेज टू या ग्रेड टू बोलते हैं। इसमें फाइब्रोसिस और ज़्यादा हो जाती है। फिर जो तीसरी स्टेज है या तीसरी ग्रेड है, इसको एडवांस सिरोसिस बोलते हैं। इसमें पेशेंट डीकम्पनसेटेड फेज में चला जाता है, मतलब लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, इससे उसमें पेट के अंदर पानी भर जाना, हिपेटिक इंकेफेलोपैथी मतलब टॉक्सिन जमा होने से ब्रेन का अच्छे से काम ना कर पाना, और तीसरा किडनी खराब हो जाना, हिपेटो रेनल सिंड्रोम, मतलब कि लीवर काम नहीं कर पा रहा, इसलिए काफ़ी सीरियस किस्म की बीमारियां हो चुकी हैं। और जो चौथी स्टेज है वो एडवांस स्टेज है, उसमें लीवर ने काम करना बंद कर दिया। अब चौथी स्टेज में तो लीवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है, और किसी भी दवाई किसी ट्रीटमेंट से कोई रास्ता नहीं बचता पेशेंट को बचाने का, सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट करना है। जो स्टेज 1, 2, 3 है उसमें इलाज कर सकते हैं, बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशन है ईसोफेजियल वायरसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, पेट में पानी भर गया है, टिक इंकेफेलोपैथी है, रीनल फेलियर, इनके लिए कुछ कुछ दवाइयाँ आती हैं जिससे ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे लोग ये स्टेजिंग के बारे में पूछ रहे थे कि सिरोसिस की क्या स्टेज है और इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिरोसिस होना ही अपने आप में ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब परमानेंट डैमेज है। बट उसमें भी अगर स्टेजिंग की या ग्रेडिंग की बात करें तो किया जा सकता है, थोड़ा सावधानी, खान पान में सावधानी, कुछ दवाइयाँ जिस कारण से हुआ है उससे बच के जीवन है उसको, लाइफ स्पैन को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, 15 साल 20 साल 25 साल भी। और लीवर ट्रांसप्लांट का तो ऑप्शन एक हमेशा ही रहता है। बहरहाल ये जो आपका क्वेश्चन था, इसके बारे में ये जानकारी थी। थैंक यू।